आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडिया फर्स्ट लाइफ टाइम फ्री मेटल क्रेडिट कार्ड के बारे में, जो कि इंडिया का स्लिमेस्ट मेटल क्रेडिट कार्ड है और आप इस कार्ड को फ्री में अप्लाई कर सकते हो लाइफ टाइम के लिए। और इस कार्ड के बारे में मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, तो इस कार्ड के अंदर यहाँ पर आपको रेफरल प्रोग्राम मिल जाता है और जिन लोगों को क्रेडिट कार्ड को रेफर करके पैसा कमाना है तो ये क्रेडिट कार्ड आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट क्रेडिट कार्ड हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपको अप्लाई करने पर कोई ज्वाइनिंग फी कोई एनुअल फी पे नहीं करना पड़ता है। यानी कि आप इस कार्ड को अप्लाई कर लेते हैं तो आप इस कार्ड को लाइफ टाइम के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर पाएंगे। जितना आप खर्च करेंगे उतना ही आपको पे करना पड़ेगा और जितना रुपये आप खर्च करेंगे उस पर आपको रिवॉर्ड पॉइंट भी मिल जाता है, रेफर करने पर भी आपको रिवॉर्ड मिल जाता है और रियल कैश भी मिल जाता है और उसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं अपने क्रेडिट कार्ड में कैश के फॉर्म में और देन आप उसे यूज़ कर सकते हैं जहाँ भी आप करना चाहते हैं, शॉपिंग के लिए, ट्रांजेक्शन के लिए, ग्रोसरी के लिए, बिल पेमेंट के लिए। तो इस कार्ड को कैसे अप्लाई करना है, कैसे आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं मैक्सिमम और कैसे आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने की वजह से रेफर करके भी पैसा कमा सकते हैं वो भी अनलिमिटेड, आज की इस वीडियो में आपको इसी के बारे में सारी जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो को ध्यान से देखनी है। तो इसके लिए सिंपली आपको करना क्या होगा, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, वन कार्ड क्रेडिट कार्ड को फ्री में अप्लाई करने का लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। तो जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे आप प्ले स्टोर पर रिडायरेक्ट जाएंगे और यहाँ पर आने के बाद आपको देखने को मिल जाएगा वन कार्ड मेटल क्रेडिट कार्ड 4.4 की रेटिंग इस एप्लीकेशन की। और डाउनलोड की बात करें तो यहाँ पर 10 मिलियन प्लस इस एप्लीकेशन का डाउनलोड हो चुका है। तो आप समझ सकते हैं वन कार्ड क्रेडिट कार्ड कितना ज़्यादा पॉपुलर है अभी के टाइम में। और मेनली इस कार्ड को पॉपुलर बनाया है स्टूडेंट ने, यूथ ने, यंग जनरेशन ने, क्योंकि उन्होंने इस कार्ड को बहुत यूज़ किया है, बहुत सारे बेनिफिट लिया है। तो आपको सिंपली करना क्या होगा, इस कार्ड को अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना होगा और इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा, क्योंकि इसी के थ्रू आप इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे एप्लीकेशन आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाए आपको सिंपली करना क्या होगा, ओपन पे क्लिक करना होगा। ओपन पे क्लिक करने के बाद से यहाँ पर आपको परमिशन को अलाउ करना होगा, गेट स्टार्ट पे क्लिक करना होगा। गेट स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद से यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होगा, देन आपको वेरीफाई फोन नंबर पे क्लिक करना होगा। वेरीफाई फोन नंबर पे क्लिक करने के बाद से यहाँ पर आपको परमिशन को अलाउ करना होगा। परमिशन को अलाउ करने के बाद से यहाँ पर आपका सिम वेरीफिकेशन होगा, यानी कि जो आपका मोबाइल नंबर है रिचार्ज होना चाहिए, सेम फोन में लगा हुआ होना चाहिए। देन आपको अपनी ईमेल आईडी सेलेक्ट कर लेनी होगी। ईमेल आईडी सेलेक्ट करने के बाद से नेक्स्ट पेज पे आपको अपना पैन कार्ड नंबर एंटर करना होगा। पैन कार्ड नंबर एंटर करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आपके पैन कार्ड को वेरीफाई किया जाएगा। देन आपको इस एप्लीकेशन का एक 4 डिजिट का पिन क्रिएट करना होगा, पिन को यहाँ पर री एंटर करना होगा, कन्फर्म पे क्लिक करना होगा। कन्फर्म पे क्लिक करेंगे, थोड़ी देर वेट करेंगे, देन आपको यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेशन का पेज देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर आपको शो हो जाएगा कि आपको यहाँ पर वन कार्ड की ओर से कितनी लिमिट मिली है। जैसे कि मुझे यहाँ पर इनिशियली 85,000 रुपीज़ की लिमिट मिली है। तो जो लिमिट होती है आपके सिविल स्कोर पर डिपेंड करती है, आपके लास्ट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन पर डिपेंड करती है कि आपने लास्ट में अपने पास्ट में कितने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन किए हैं, कितने लोन लिए हैं, कितनी EMI बनाई है और आपने टाइम टू टाइम पेमेंट करी है कि नहीं। तो अगर आपका सिविल स्कोर ठीक ठाक होगा तो यहाँ पर आपको कार्ड मिल जाएगा, यहाँ पर आपको इनिशियल लिमिट मिल जाएगी। तो आपको सिंपली करना क्या होगा, लिमिट मिलने के बाद से गेट वन कार्ड पे क्लिक करना होगा। गेट वन कार्ड पे क्लिक करने के बाद से अगेन क्लिक करना होगा, यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगा वन कार्ड के साथ कौन कौन से ब्रांड टाइप है, यहाँ पर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा इस कार्ड को यूज करके। अगेन आप यहाँ पर गेट वन कार्ड पे क्लिक करेंगे, देन आपको अपनी कुछ बेसिक डिटेल एंटर करनी होगी, जैसे कि आपको अपना मदर्स नेम का फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंटर करना होगा, फादर नेम एंटर करना होगा, नेशनलिटी सेलेक्ट करनी होगी। नेशनलिटी सेलेक्ट करने के बाद से नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद से यहाँ पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना होगा, आपको अपना ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करना होगा, आप क्या काम करते हैं, देन आपको अपनी एनुअल इनकम की रेंज सेलेक्ट करनी होगी और आप पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन है कि नहीं, यस या नो, तो आपको सिंपली नो सेलेक्ट करना होगा। नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद से मे भी आपको यहाँ पे KYC करने का ऑनलाइन ऑप्शन आ जाएगा वीडियो KYC के थ्रू, जहाँ पर आपको अपने पैन कार्ड को शो करना होगा सामने वाले पर्सन को, यानी वन कार्ड की ओर से जो भी यहाँ पर पर्सन आपको कनेक्ट करेगा वीडियो कॉल पर उन्हें आपको अपनी डिटेल शो करनी होगी। अदरवाइज जिन लोगों को यहाँ ऑप्शन नहीं आता है तो उन्हें सिंपली करना क्या होगा, ग्रांट एक्सेस पर क्लिक करना होगा, परमिशन को अलाउ करना होगा। KYC करने का ऑप्शन आएगा तो आपको सिंपली स्टार्ट पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना होगा, पासपोर्ट है, वोटर आईडी कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, आधार कार्ड है। आधार कार्ड सेलेक्ट करेंगे तो ईजी रहेगा, आपको सिंपली सेलेक्ट करके यस पे क्लिक करना होगा। यस पे क्लिक करने के बाद से नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा, यहाँ पर आपको अपनी एड्रेस सेलेक्ट कर लेनी होगी और यहाँ पर आप न्यू एड्रेस भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जो आपके आधार कार्ड में एड्रेस है वो भी आपको यहाँ पर देखने मिल जाएगा। ये सेलेक्ट करने के बाद से अगेन आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा, यहाँ पर आपको अपनी अपॉइंटमेंट सेलेक्ट करनी होगी। और बहुत सारे लोग को यहाँ पे वीडियो के इसी का ऑप्शन इस स्टेप पे आ जाएगा और बहुत सारे लोगों को स्टेप नहीं मिलेगा, तो उन्हें सिंपली अपॉइंटमेंट बुक कर लेनी होगी। इस केस में एक पर्सन आपको वन कार्ड की ओर से विजिट करेगा आपके घर पे या आपके लोकेशन पे और आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेगा, उसके विदिन 1 वीक आपका कार्ड जो है रिसीव हो जाएगा। तो यहाँ पर अपॉइंटमेंट को सेलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली कन्फर्म पे क्लिक करना होगा, थोड़ी देर वेट करना होगा, यहाँ पर जो आपकी अपॉइंटमेंट होगी बुक हो जाएगी और जिस स्टेट पर आपकी अपॉइंटमेंट होगी उस स्टेट को एक पर्सन विजिट करेगा वन कार्ड क्रेडिट कार्ड की ओर से और आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेगा। अदरवाइज आप यहाँ पर वीडियो KYC के थ्रू भी अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा सकते हैं। ये प्रोसेस रहने वाला है वन कार्ड क्रेडिट कार्ड को अभी के टाइम में
फ्री में अप्लाई करने का। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। पर अब चलिए हम बात करते हैं जिन लोगों का कार्ड रिसीव हो जाएगा वो लोग कार्ड को एक्टिवेट कर लेंगे। कार्ड को एक्टिवेट करने के वजह से कैसा इसका बेनिफिट लेंगे, तो जैसे आप यहाँ पर वन कार्ड रिसीव करके इस एप्लीकेशन के अंदर आके कार्ड को एक्टिवेट कर लेंगे। एप्लीकेशन का इंटरफेस कुछ इस तरह से आपको देखने मिल जाएगा। होम पेज पे आपके कार्ड की लिमिट मिल जाएगी, आपको कार्ड को शो करने का ऑप्शन मिल जाएगा। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको रिसेंट ट्रांजेक्शन मिल जाएगा और आप देख सकते हैं वन कार्ड की ओर से मैंने कितने सारे ट्रांजेक्शन कर रखे हैं और हर एक ट्रांजेक्शन पर आपको यहाँ पर रिवॉर्ड पॉइंट मिल जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन किया था जिसमें मुझे यहाँ पे 1433 रिवॉर्ड पॉइंट मिले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा होगा। इस तरह से इस एप्लीकेशन पर जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं, जो भी आप खर्चे करते हैं, उस पर आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिल जाता है और आप इस रिवॉर्ड पॉइंट को रियल कैश में भी कन्वर्ट कर सकते हो। उसके अलावा नीचे आपको यहाँ पर फिर से एक ऑप्शन मिल जाएगा सर्विस का। सर्विस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको कार्ड की डिटेल देखने मिल जाएगी और नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको जो भी लास्ट ईएमआई होगी ड्यू होंगी वो आपको देखने मिल जाएंगे और उसके नीचे एक ऑप्शन आपको देखने मिल जाएगा स्टोर का। स्टोर पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगा वन कार्ड की ओर से कौन कौन से ब्रांड पर यहाँ पर डिस्काउंट चल रहा है। आप यहाँ पर कैटेगरी वाइज भी सारी चीज़ चेक कर सकते हो, जैसे कि शॉपिंग है, फैशन है, एंटरटेनमेंट है, ट्रैवल है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर शॉपिंग पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगा जियो पे यहाँ पर 100 ऑफ चल रहा है। अमेजोन के वाउचर लेते हो तो यहाँ पर आपको 4% का कैशबैक मिल जाएगा। गिफ्ट कार्ड पे आपको 1.5% का कैशबैक मिल जाएगा। तो इस तरह से बेनिफिट ले सकते हो। फैशन पे क्लिक करोगे तो फैशन पे से रिलेटेड आपको डिस्काउंट कूपन मिल जाएंगे। उसके अलावा अगर बैक आते हो यहाँ पर आप इनसाइड पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको मंथली एक्सपेंसेस देखने मिल जाएंगे और लास्ट में आपको रिवॉर्ड का ऑप्शन मिल जाएगा। तो जैसे आप रिवॉर्ड पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको ऊपर 3 मिल जाएगा ऑफर का। ऑफर वाले सेक्शन के अंदर आपको बहुत सारे ऑफर देखने मिल जाएंगे वन कार्ड से रिलेटेड। रिवॉर्ड्स पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगा कि आपके पास कितने रिवॉर्ड पड़े हैं। जैसे कि मेरे पास अभी 24,668 रिवॉर्ड पॉइंट है जो कि मैंने इस एप्लीकेशन को रेफर करके अर्न किए हैं, ट्रांजेक्शन करके अर्न किए हैं। यूज़ पॉइंट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको रिवॉर्ड पॉइंट को रिडीम करने का ऑप्शन मिल जाएगा कैश के फॉर्म में और नीचे आओगे स्क्रॉल करके तो यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगा अभी के टाइम में वन कार्ड को रेफर करने पे आपको यहाँ पर 2500 रिवॉर्ड पॉइंट मिलने वाला है। जैसे आप कन्वर्ट करोगे रियल कैश में तो यहाँ पर आपको 250 मिल जाएगा। तो आपको सिंपली करना क्या होगा, रेफर करने के लिए इसके ऊपर टैप करना होगा और यहाँ से आप वन कार्ड को शेयर करने का, रेफर करने का ऑप्शन देखने मिल जाता है। और यहाँ पर रेफर करने के वजह से जैसे सामने वाला पर्सन आपके लिंक से कार्ड को अप्लाई कर लेता है, कार्ड अप्रूव हो जाता है, कार्ड को जैसे यूज़ कर लेता है फर्स्ट टाइम के लिए, तो यहाँ पर आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिल जाएंगे, यानी कि 2500 रिवॉर्ड पॉइंट मिल जाएंगे। और आप इसे कैसे रिडीम करेंगे तो उसके लिए सिंपली करना क्या होगा, यूज़ पॉइंट पर क्लिक करना होगा। यूज़ पॉइंट पर क्लिक करने के बाद से यहाँ पर आपको 1K का ऑप्शन मिल जाएगा, 500 का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर आपको और बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे पॉइंट को रिडीम करने के लिए। तो आपको सिंपली करना क्या होगा, 1K पे टैप करना होगा, टैप एंड होल्ड करना होगा, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना होगा। जैसे आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे थोड़ी देर वेट करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं 100 का कैश मिल चुका है। यहाँ पर आपको डेट और सारी चीज़ें दिख रही होगी, कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज भी आ चुका है। और चलिए हम बैक आते हैं, इसका प्रूफ भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो उसके लिए सिंपली आपको होम पेज पर आना होगा। होम पेज पर आने के बाद आपको सिंपली करना क्या होगा, पेज को रिफ्रेश करना होगा। जैसे पेज रिफ्रेश करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं 100 पेड हो चुका है यहाँ पर पॉइंट को रिडीम करने पे, और इसके बदले में 1000 हमने यहाँ पर रिडीम किए हैं। तो यहाँ पर आपको इस चीज़ क्लियर हो गई होगी, यानी कि 1000 के बदले में आपको 100 मिलता है और 2500 रिवॉर्ड पॉइंट के बदले में आपको 250 मिल जाएगा। तो इस तरह से आप वन कार्ड को यूज़ करते हैं तो यहाँ पर आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिल जाता है, उस रिवॉर्ड पॉइंट का रिडीम करोगे तो आपको रियल कैश मिल जाएगा और रेफर करके भी आप यहाँ पर रिवॉर्ड पॉइंट अर्न करते हो और उसे आप कन्वर्ट कर सकते हो रियल कैश में। और जो रियल कैश होती है आपके वन कार्ड के अंदर ऐड हो जाती है, यानी कि आपको सिंपली करना क्या होगा, वन कार्ड को यूज़ करना होगा और वन कार्ड के अंदर जो आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं उसी का यूज़ करके आप यहाँ पर रीपेमेंट भी कर पाओगे अपने क्रेडिट कार्ड का बिल। तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो ऐसे और अपडेट पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और हम मिलते हैं कैसे वीडियो से अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।